एवरीवन, मैं हूँ नेहा। आपका स्वागत है मेरे चैनल फूड एक्सपर्ट में। आज हम बनाएंगे साबुदाने की खिचड़ी। साबुदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमको चाहिए साबुदाना, जिसको हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, सेंधा नमक, लाल मिर्ची पाउडर, टमाटर, उबले हुए आलू, हरी मिर्च, मूंगफली के दाने जिनको हमने भून लिया है, और रिफाइंड। आइए शुरू करते हैं साबुदाने की खिचड़ी बनाना। इसके लिए हमें चाहिए एक पैन। पैन को हम गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जैसे ही हमारा जीरा चटकने लगेगा, हमको इसमें डालने हैं टमाटर, जिनको हमने काट लिया है। साबुदाने की खिचड़ी व्रत में बनाई जाती है, इसमें हल्दी का उपयोग नहीं होता और इसमें हम यूज करेंगे सेंधा नमक। अब हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक। जैसे ही हमारे टमाटर थोड़े गल जाएंगे, हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ी सी हरी मिर्च। देखिए हमारे टमाटर थोड़े थोड़े गल चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू, जिनको हमने सब्जी से काट लिया है। इनको भी हम टमाटरों के साथ ही फ्राई करेंगे। देखिए हमारे आलू भी हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे साबुदाना, जिसको हमने 2 घंटे पहले धोकर भिगो दिया था और इसको निचोड़ लिया है। गैस को हम मीडियम कर देंगे और इसको हम भूनेंगे। 2 घंटे तक साबुदाना भिगोने पर हमारा अच्छी तरीके से गल जाता है। आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, जिससे स्वाद भी अच्छा आता है। देखिए सब कुछ मिक्स हो चुका है, अब हम इसी स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे मूंगफली के दाने, जिसको हमने भून लिया है। देखिए
कितनी आसान है साबूदाने की खिचड़ी बनाना। इसमें हम थोड़ी हरी मिर्चें और ऐड करते हैं। रेडी है हमारी साबूदाने की खिचड़ी। आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये करते हैं इसकी प्लेटिंग। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीजिए तैयार है हमारी साबूदाने की खिचड़ी। आप भी बनाइए और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।